नमस्कार दोस्तों, फ्लुएंट लिंगुआ में आपका स्वागत है। हमने पिछले दो वीडियोस में टेंसेस की बात की थी, प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस की, और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंसेस की। सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। हम सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज़ करते हैं? जब फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाली है उसके ऊपर हमारा ध्यान है, हमारा फोकस है फ्यूचर एक्शन। जैसे आई विल राइट अ लेटर टुमारो, कल मैं खत लिखूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो फ्यूचर का एक्शन जो है उसके ऊपर हमारा फोकस है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम फ्यूचर के कोई एक पॉइंट के ऊपर कोई क्रिया चालू होगी ऐसा हमारा अनुमान है। जैसे अभी 3 बजे हैं तो 5 बजे मैं खत लिख रहा होऊंगा, ऐसा मुझे बताना है। तो आई विल बी राइटिंग अ लेटर एट 5 PM टुमारो। यहाँ पर राइटिंग ING फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूटी बताता है, और विल बी ये फ्यूचर का पॉइंट बताता है, टाइम। ये टू बी का फ्यूचर फॉर्म है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कंप्लीशन, पूर्णता। तो हम यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो एक्शन के ऊपर नहीं है, लेकिन एक्शन के बाद में आने वाला कोई टाइम पॉइंट है, और ये टाइम पॉइंट आने से पहले हमारी एक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्रिया हमारी पूर्ण हो जाएगी, हमको ऐसा बताता है। आपको मालूम है परफेक्ट टेंसेस में हम हैज़ हैव का उपयोग करते हैं, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो यूज़ करते हैं। तो राइट रोट रिटर्न में रिटर्न हम यूज़ करेंगे, गो वेंट गॉन में गॉन यूज़ करेंगे ये टेंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये फ्यूचर पॉइंट है FT, और उसके पहले मेरी एक्शन है खत लिखने की, वो ख़त्म हो चुकी होगी ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं कहूँगा आई विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर, ये हमारा फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। सो बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मैं खत लिख चुका होऊंगा, राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है और आप यहाँ पर स्टेशन पर पहुँचेंगे और उससे पहले आपकी ट्रेन छूट जाएगी, निकल जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, राइट? तो ये हो गया फ्यूचर पॉइंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उसमें पास्ट पॉइंट जो था वो हम सिंपल पास्ट टेंस से बताते थे, और उससे पहले कोई क्रिया हो चुकी थी। जैसे हमने बताया था आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही केम, तो ही केम पास्ट था हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पर आई विल हैव रिटन द लेटर बिफोर ही कम्स, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम फ्यूचर पॉइंट बताएंगे। उसके बाद है लास्ट टेंस जो बहुत रेयरली यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट है तो उसके अंदर हैज़ हैव भी आना चाहिए, कंटिन्यूअस है तो टू बी का फॉर्म भी चाहिए और ING फॉर्म भी चाहिए। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 4 बजे अगर सोचिए मैंने कुछ काम शुरू किया था, 4 बजे मैंने खत लिखना शुरू किया था, अभी 5 बजे हैं, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा खत लिखने का जो काम है वो चालू रहेगा 7 बजे तक, तो 7 बजे ये मेरा फ्यूचर पॉइंट है। तो ये फ्यूचर पॉइंट आते जब आएगा तब मैं कितने समय से ये क्रिया कर रहा होऊंगा वो मेरे को बताना है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा आई विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स, टोटल पीरियड 3 आवर्स, एट 7 o'clock। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेंस के अंदर फ्यूचर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और टोटल पीरियड ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट है। वो टोटल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फ्यूचर से फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट से फ्यूचर भी हो सकता है, और पास्ट से फ्यूचर भी हो सकता है, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ चाहिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम और टोटल पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय से ये क्रिया चालू होगी वो हमको बताना है। आप कंपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक पॉइंट था और एक पॉइंट के ऊपर कोई क्रिया चालू थी, यहाँ पर एक पीरियड है, राइट? एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर आई विल राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल खत लिखूंगा। यहाँ पर आई विल बी राइटिंग अ लेटर एट 5 PM टुमारो,
मैं कल 5 बजे खत लिख रहा होऊंगा, मेरी क्रिया चालू होगी। यहाँ पर आई विल हैव रिटन द लेटर बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मैं खत लिख चुका होऊंगा। और यहाँ पर आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स एट 7 o'clock, जब 7 बजेंगे तब मैं 3 घंटे से खत लिख रहा होऊंगा। तो ये हमारे हुए फ्यूचर टेंसेस। दोस्तों अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस भी सीखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट लिंग्वा पे जाके और भी बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर हमारे कोर्सेज के बारे में आपको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.fluentlingua.com। मैं सूरत से धर्मेंद्र शेठ, नमस्कार।